आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्राउन राइस की रेसिपी। बिल्कुल खिले खिले ब्राउन राइस कुकर में आप कैसे सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और एंड तक देखें। तो आइए ब्राउन राइस बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप ब्राउन राइस। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का ब्राउन राइस ले सकते हैं। तो ब्राउन राइस फ्रेंड्स काफ़ी हार्ड होता है, इसको गलने में नॉर्मल राइस से ज़्यादा टाइम लगता है। जो हम रोज़ का चावल खाते हैं, वाइट राइस खाते हैं, उससे ज़्यादा पकने में इसको टाइम लगता है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्राउन राइस लेना है। मैंने 1/2 कप ब्राउन राइस लिया और इतना राइस लगभग 3 लोगों के लिए सफिशेंट होगा। 2 से 3 लोग इसको खा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अच्छे से इसको वॉश कर लें, 2 से 3 बार वॉश कर लें, और इसके बाद में इसका पानी फेंक देंगे और साफ पीने वाला पानी हम इसमें डाल देंगे और इसको भीगने के लिए लगभग 1/2 से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मिनिमम 1/2 घंटा भिगोएं, मैक्सिमम 1 घंटा भिगो दें। देखिए चावल भीग चुका है। अब छलनी से पानी को अलग कर देते हैं। चावल देखिए हमारा भीग कर रेडी है। इसको हम कुकर में डाल देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को यानी कि गैस को मैंने खोल दिया है, मीडियम हाई कर दिया है। और 1/2 कप हमने चावल लिया था, तो हम इसमें 1 कप नापकर पानी डालेंगे। तो इसी कप से नापकर मैंने चावल लिया था, तो इसी कप से नापकर मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, इससे हमारा चावल फीका फीका नहीं लगेगा। मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगाकर इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर इसमें लगभग 3 से 4 सीटी ले लेंगे। फ्रेंड्स कुकर में सीटी आ चुकी थी, गैस को मैंने बंद कर दिया था, कुकर ठंडा हो गया। इसके बाद मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। देखिए कितने खिले खिले हमारे राइस बनकर बिल्कुल रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं इसकी नोक भी ऊपर उठ रही है। ये देखिए बहुत ही खिला खिला चावल बनकर तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं हमारे कुकर में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, यानी कि जितना हमने पानी डाला था वो हमारे चावल को पकाने के लिए एकदम परफेक्ट था। तो इसी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप चावल अगर बनाएंगे, ब्राउन राइस घर में बनाएंगे, तो आपके चावल भी खिले खिले बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप को मेजर करके चावल और पानी लिया है। आप कोई भी घर में कटोरी, कोई भी कप, कोई भी बोल आप ले सकते हैं और उसी से नापकर आप पानी और चावल का रेशियो ले सकते हैं और घर में ब्राउन राइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्राउन राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप ब्राउन राइस पहले से भिगोना भूल गए या फिर आप बहुत जल्दी में हैं या नहीं भिगोना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कुकर में पानी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा और सीटी भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको गैस की बचत करनी है और बिल्कुल परफेक्ट अगर आपको ब्राउन राइस घर में बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही खिला खिला बनाना है, तो आप क्या करें, उसको अच्छे से भिगोएं, 1/2 से 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। पहले से प्री प्लानिंग करके बनाएंगे तो राइस बहुत अच्छे बनेंगे और उसके बाद में आप राइस बनाएं और सीटी भी आपको कम लगेगी और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा खिला खिला ब्राउन राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके ब्राउन राइस ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाई।